सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति धर्म भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा है। ओ निश्चल पावन पवित्र धरा, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। में होनी तरह आप देख रहे फैक्ट होनी तरह। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि इस 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस 15 अगस्त को हमारे देश को अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुए 76 साल पूरे हो गए हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम जानते हैं कि अंग्रेज इतनी आसानी से भारत को आज़ाद नहीं करने वाले थे, लेकिन हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के जोश, हौसले, जज्बे और बहादुरी के सामने अंग्रेजों को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़े और करीब 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद हमारा वतन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया। आज हम यहाँ भारत की आज़ादी से जुड़ी ऐसे 10 रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो राइट साइड में सब्सक्राइब वाला बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो। क्या आप जानते हैं कि 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। ध्वज लाल, पीला और हरे रंग के क्षैतिज स्ट्रिप से बना था, जिसके शीर्ष पर लाल पट्टी जिसमें 8 सफ़ेद कमल एक पंक्ति में उतार दिए गए थे। हरे पट्टी के बाईं तरफ एक सफ़ेद सूरज और अर्धचंद्र, वही दाहिने तरफ स्टार या एक तारा। सबसे अनोखी बात यह है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 में, तब उसका कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि 1911 में ही रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन बंगाली भाषा में लिख चुके थे, लेकिन 1950 में यह हमारे देश का राष्ट्रगान बन पाया था। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1921 में बेजवाड़ा में पिंगी बेंकिया द्वारा बनाया गया था। यह दो रंगों से बना था, लाल और हरा, जो कि दो प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने भारत के शेष समुदायों और राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक बनाने के लिए एक सफ़ेद पट्टी पर चरखे को जोड़ने का सुझाव दिया था। पंद्रह अगस्त 1947 को पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा था, लेकिन गांधी जी इसमें शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि वह इस समय बंगाल के कलकत्ता के नौआखली में हिंदू उस मुस्लिम दंगे को रोकने में लगे हुए थे। दोस्तों, हर स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 1947 में ऐसा नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराया था। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर।
क्या आपको पता है कि 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा नहीं थी। यह 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन के रूप में खींची गई थी। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 560 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया था। दो अन्य हैदराबाद और जूनागढ़ को भारतीय सेना द्वारा कब्जा कर लिया था। भारतीय स्वतंत्रता के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पुर्तगाल ने अपने संविधान में संशोधन किया और गोवा को एक पुर्तगाली राज्य के रूप में घोषित किया। भारतीय सैनिकों ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा पर हमला किया और इसे भारत में मिला दिया। इसके अलावा पौंडीचेरी 1 नवंबर 1954 को फ्रांस से आज़ाद होकर भारत में शामिल हुए। इसे अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। दादरनगर हवेली पुर्तगाली साम्राज्य का एक भाग था जो 1954 में स्वतंत्र हुआ और 11 अगस्त 1961 को भारत में शामिल हुआ। क्या आप जानते हैं कि भारत ने इतिहास में कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया था? पंद्रह अगस्त को भारत के अलावा 3 अन्य देशों का स्वतंत्रता दिवस दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था। ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ था। पंद्रह अगस्त 1947 को 1 रुपये 1 डॉलर के बराबर था। 15 अगस्त के दिन ही वीर चक्र को मान्यता दी गई थी। 15 अगस्त 1972 को ही भारत में डाक पिन जो कि 6 अंकों का नंबर होता है की शुरुआत हुई थी और 15 अगस्त 1982 को इंदिरा गांधी के भाषण के साथ भारत में टीवी पर रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद एवं नमन करते हुए हम शपथ लें कि हमारे महापुरुषों के द्वारा बनाए भारत को हम सभी मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करें एवं जाति धर्म लिंग स्थान के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवीय गुणों को अपनाकर संविधान का अनुसरण करके एक उन्नत भारत का सपना को साकार करें जहां हर वर्ग के लोग विकसित हो और अपने स्वाभिमान गरिमा के साथ जीवन जिए। इसी उम्मीद के साथ एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ लेती हूँ आपसे विदा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।